विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगस्सु तई कई पुरित मम्बेत काते स्तवस्तुति परा परोक्ति। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। उत्कलर इष्ट देवता महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्रीचरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणिपात ज्ञापन करी ये माटी पाणी पवन आकाश जल स्थल अंतरिक्ष रे भेदमान हेउथिबा माँ कृपामयीकर कृपार कृपा को पाथेय करी धरित्री राणीकर पदारविंदरे मथालोटा प्रणति ज्ञापन करी मु ज्ञानानंद सागर आपण मानकु स्वागत करुछि मातृवंदनार ए स्वतंत्र अध्याय रे। सुधी सज्जन जेबे जेबे आश्विन आसे पार्वणर ऋतु आसी महिमंडल रे विराजमान करे माँ मेघमंडल रे अनंत आकाश रे पणत कानी को विच्छुरित करंती काशतंडी लहरायित चामर ढाली माँकर आगमन को पृथ्वी राणी को स्वागत करुथा खंडा कर्पूर त्रिशूल को धारण करी चंडमुंडर विनाश करिबा पई महिषासुरर वक्ष देश रे निधन करिबा पई त्रिशूल को विद्ध करिबा पई पाप ताप विध्वंसकारिणी माँ जगज्जननी दुर्गे दुर्गति नाशिनी धरित्री को आगमन हुवंती। एई बेळरे समस्त देवादेवी माने माँकर स्तुति आ स्तव पाठ करंती। अर्गस न्यूजर स्वतंत्र उपस्थापना भक्ति अर्घ्य मातृवंदना को आपण मानकु स्वागत करछु सर्जन स्वतंत्र प्रस्तुति मातृवंदनार आजिकार निवेदन रहिछि शारदीय दुर्गोत्सवर महात्म्य। आम सहित उपस्थित अछंती गवेषक डॉक्टर अंबरेश सतपति महाभाग। आज्ञा प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दुर्गोत्सवर ए महात्म्य महिमामय गाथा आ कथा माँ आसी महिमंडली को समस्त धरित्री राणी आनंद माँ को स्वागत करुंटे शारदीय दुर्गोत्सव आजिकार आलोचन रही शारदीय दुर्गोत्सव। ये शारदीय दुर्गोत्सव कौन केवे ठारु आरंभ है भारत बर्षरे यार प्रच्छद पटे रही पृष्ठभूमि कौन शारदीय दुर्गोत्सव क्यों पालित हुए समग्र उत्कल भूखंड। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवे धात्री स्वाहा नमस्तुते जयतं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। माँकर अपार कृपारु आज समग्र भारत बर्षरे माँकर आराधना होउछि। ए अवसर रे आमर सौभाग्य जे जगज्जननी माँ को विषय किंचित आलोचना करिबा। माँ आमको जन्म देइचंती पालन करिचंती आम कंठरे भाषा देइचंती जदि आम कि उच्चारण करिपारुचे जदि किसी आलोचना करिपारुचे ता से माँ को इच्छा तांको इच्छा बिना गछपत्र हलिबनी। जो दुर्गा उपासना कथा आपण कहिले जदि प्राचीन भारत को जीवा आमर जो प्राचीन सभ्यता रही सिंधु उपत्यका सभ्यता महेंजदार हरप्पा सभ्यता जेतेबेले तार खनन करा हेथिला सेटु मातृका मूर्ति मिलिथिला पशुपतिनाथंकर मूर्ति इत्यादि मिलिथिला तेणु से समय रे जे मातृ उपासना थिला सेइथुरु आमर ऐतिहासिक प्रमाण मिले। ता छड़ा विभिन्न पुराण रामायण महाभारत टु आरंभ करी किंवदंती जनश्रुति सबुथिरे रहिछि मातृ उपासना। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ରୂପରେ ମା ଉପାସିତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶରତ କାଳରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅକାଳ ବୋଧନ। ଆ ପଛରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ବିତର ସି ଦିକ୍ଷୁରଣେ ଦିଗ୍ ପତିକମନିୟମ ଦଶମୁଖ ମୌଳିଙ୍ଗଳିଙ୍ଗ୍ରମଣୀୟମ କେଶବ ଧୃତ ରାମ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶହରେ। ତେଣୁ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ସପ୍ତମ ଅବତାର ରାମ ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲେ। ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି
किस्किंधा को गल बाली विनाशिल बंध हे बांधिल सिंधु जले लंकार रावण बधिल आपण जनक नंदिनी सीता छोड़े शरण मु तुम्भ पाद तले तेणु जनक नंदिनी सीता छल से जाकि रावण को बद्ध कले जेतेबेले राम रावण युद्ध होइछि आपण माने जानती रावण मध्य बड़ साधक थिला जे कि शिव एवं पार्वती उभय को संतुष्ट करथिला। रावण जो शिव स्तोत्र लिखिछि शिव तांडव स्तोत्र जटा टबी गला ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डम 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 निनादम डबर वयम चकार चंड तांडवम तनह तुन शिव शिवम जटा कटा हसम भ्रम निलिंप निर्जरी बिलोल बीजी बल्लरी विराजमान मूर्धनी से प्रभु को संतुष्ट कर शिव को बर प्राप्त होता आउ माँ को मध्य स्तुति करके संतुष्ट करते राम और रावण युद्ध चली स्वयं माँ पार्वती जोग माया जगत जननी प्रच्छद पटे रहीकि रावण को सहायता कले जहाँफल भगवान रामचंद्र जिते युद्ध करू परास्त करी पारु न थांती भगवान जानिपारे जे प्रकृत कारण कौन एवं तांकु अन्य माने मध्य परामर्श देले जे माँ को पूजा करी माँ को संतुष्ट नकले तुम्हें रावण को बद्ध करी पारिबो नाही तेणु से अकाल बोधन करते शारद शरत काल रे दुर्गा पूजार आयोजन करते प्रभु श्री रामचंद्र एवं से मंत्र रे यज्ञ रे आहुति दौंती 108 पद्म आहुति देवा कथा थिला एतिक बेले महावीर हनुमान अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम दनुजवन कृषानम ज्ञानीनम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाण राणम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि चुन्द मनोजवम मारुत तुल्य बेगम समग्र विश्व ब्रह्मांड बुलिकी 108 पद्मराणी संग्रह करिचंती गुटिए गुटिए मंत्र उच्चारण होची प्रभु आहुति दौंती पद्म को यज्ञ कुंड रे तेणु यही एक समय रे माँ निजे परीक्षा करचंती प्रभु को गोटे पद्म ने लुचाई देचंती एतिक बेले कौन है मंत्र उच्चारण होची आउ प्रभु गोटे गोटे पद्म अर्पण करुचंती महाप्रभुंकर एक कथा को शुणु शुणु आम भितरे समय टिके घंटी पिटिलानी विरती नवा किंतु जाणि रखंतु देवींकर आराधना करिवा समय रे हनुमानंक द्वारा प्राप्त होइथिबा 108 पद्म रामचंद्रंकर सम्मुखरे उपस्थित होइछि माँकर स्तुति स्तव करी गोटिए गोटिए अंजलिर करमुद्रा को तोली दे पद्म को ढाली देउछंती रामचंद्र तेबे कौन नियंत पड़ा या सहित शारदीय दुर्गोत्सव घटनाटी कौन रही जानिबा समय विरतिर परे आपण मानकु स्वागत सज्जन सज्जन जे मर्यादार पुरुषोत्तम रामचंद्र से पुनी एई पुष्प को अर्पण करू करू मांकर आराधना करू करू कौन घटनाटी घटी पारे सतरे कौन जे सब सकल अंतर्जामी तांको आखि आगरु पद्मटी उभा होई पारे एवं माँ कौन ये छल करी पारंती माँ बा काहीकि पुओ प्रति छलना करिवे जदिबा छलना कले क्यों भली भावरे यार निष्पादन टी निष्पेषित हला एवं समाधान हला रामचंद्रंक द्वारा क्यों भली मां आराधित हेले डॉक्टर अम्बरेश सतपति महाभाग ओइ गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनोते गिरिवर विंध्यसी रोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नते भगवती हे सीति कंठ कुटुंबिनी भूरी कुटुंबिनी भूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते माँकर आराधना करुचंती प्रभु रघुनाथ स्वयं विष्णु आ माँ परीक्षा करिचंती गोटे पद्म लुचाई देचंती मंत्र पाठ होची जेते बेले देखुचंती आ गोटे पद्म नाही
प्रभु चिंता कले कौन करी प्रभु कह चिंता कले अरे मत तो समस्ते कहते पद्म लोचन आलु ये असमय जदि पद्म मिलूनी कौन करी से महावीर हनुमान सबुआ बुली आई प्रभु आउ विश्व ब्रह्मांड में पद्म टीए ना आउ मु हार मानुची महाप्रभु हनुमान चिंतित हो पड़ते कौन करे किभली यज्ञ आहुति देवे प्रभु शेषु कहले मत पद्मलोचन कहते तेणु धरले धनु तीक्ष्ण स्वर से कहले मु आखिटी मु ताड़िकी पद्म बदल आखिटी मु अर्पण करदेवि मंत्रपाठ समय प्रभु चिंता करी जेतेबेले तीक्ष्ण स्वराघात करिया को जाउचंती माँ आविर्भूता होगले माँ से हसी हसी कहले हे राम मु तुमर यज्ञ संतुष्ट तुम भक्ति रे संतुष्ट मु परीक्षा करूली परीक्षा करी गोटे पद्म मु लुचे मो परीक्षार तुम उत्तीर्ण होती भगवान श्रीरामचंद्र से माँ को प्रणिपात कले आशीर्वाद कले तुम्हें विजयी हब एवं ता परवर्ती युद्ध में रावण पराजय हला एवं तार मृत्यु होता से जो शारदीय काल रे शरत काल रे प्रभु श्रीरामचंद्र दुर्गा पूजा आयोजन करते से दिन ठार् प्रतिवर्ष समग्र भारत वर्ष रे शरत कालीन दुर्गा पूजा आयोजित हो आसुची ए होची शरत कालीन दुर्गा पूजार पौराणिक पृष्ठभूमि रामायण कथा जो कथा कि आज मध्य दुर्गा पूजा समय आलोचना हुए एवं प्रभु आरंभ करितिवारु समस्ते आज माँ को आराधना करुछंती ई दुर्गा पूजार महात्म्य रामचंद्रंकर रामायण कथा सहित जड़ित थिले मध्य आमे गोटे कथा दृष्टांत रखिबा माँ को तो रामचंद्र आराधना करिछंती किंतु ता पूर्वरु दुर्गा उत्सवर कथा मध्य रही बासंतिक दुर्गात्सव आउ शरतकालीन दुर्गात्सव जदि रामचंद्रंक द्वारा शरतकालीन दुर्गात्सवटी संपादित होइछि बासंतिक दुर्गात्सवटी कौन प्राचीन महिषासुर को मारिबापाई जो समस्त देवदेवी माने शक्ति प्रदान करी माँ दुर्गा को सृष्टि करथिले जो कहानी रही शुंभ निशुंभ चंड मुंड शेषे महिषासुर बोली महिषा मर्दिनी कराए सेतिपाई माँकर उपासना प्राचीन काल रहुतिला आउ गोटे कहानी मध्य रही राजा सुरथ आउ समाधि वैश्य सुरथ राजा राज्य हरेकी जाएकी जंगल में बुलुतिले समाधि वैश्य मध्य तांकर परिवार द्वारा विताड़ित होइकी से मध्य से जंगल रे थिले एवं तांक सहित भेट होइतला मेधा ऋषिंकर मेधा ऋषिंकर परामर्श रे से माने माँ को आराधना करथिले एवं तांकर राज्य फेरी पाइथिले राजा सुरथ समाधि वैश्य परिवार सह समग्र तांकर जो व्यवसाय वाणिज्य रे पुणी मध्य उन्नति होता तेणु एमती एक कहानी परे मध्य जुगे जुगे विभिन्न समय माँ को आराधना करा जाए आमर माँ को विभिन्न रूप रही जेपरिक नवदुर्गा दश महाविद्या एमती इत्यादि मध्य रूप रही परवर्ती समय आलोचना मध्य करिबा तेणु विपद रे पड़िकी आपत काल रे जेते बेला आमे विपद पड़िकी माँ को डाकू माँ कृपा करती अतीत रे आमर राजा महाराजा माने जेते बेले तांकर युद्ध करुथिले सेते बेले मते दुर्गांकर उपासना करुथिले आराधना करुथिले माँ को आशीर्वाद नहींकि युद्ध रे जयलाभ करुथिले सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ए मंत्र को जदि बारंबार आपण माने जप करिवे भयरु दूर हेबे भय दूर हेजिवो तेणु माँ को पाखरे जेमती आमे घर को गले बापा रागंती कौन करती किंतु माँ कौन कहे माँ पचारे पुओ तु खाई ना ना आग माँ खावाक दिए तेणु माँ जदि संतुष्ट हेबे ताहले आमे सबु क्षेत्र में सफलता लाभ करिबा सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते तेणु शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे तेणु माँ को पाखरे आमे शरण पशिबा भक्तिर अर्घ्य निवेदन करिबा आमर किंबदंती जनश्रुति इतिहास पुराण जा थाउना कहीं से सब आम ज्ञान वृद्धि कर किंतु माँ कौन चाहे भक्तिर सहित माँ को माँ बोली डाकिले माँ को कहवा आमे तोर संतान जमती श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र लिखिंट माँ तो दुर्गे तोर सत्यांश जात आंभे माने भारत बर्षर संतान गण तोर मंदिर आसीन प्रार्थना करुचु शुण मात यही भारत बर्षर आविर्भूत हुओ जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री होई तरबारी घुराओ
प्राण हृदयर दियो देवशक्ति दिव्य ज्ञान एभली से स्तुति करिसंति श्री अरविंद। तेणु आम माँ को स्तुति करिबा प्रार्थना करिबा लुह गड़े डाकिबा माँ आमर सब दुख दूर कर आम विभिन्न विपद रक्षा कर आम माँ से सुरक्षा कवच होमको निश्चय रक्षा करेंगे। तेणु ये शारदीय दुर्गा पूजा आम भक्तिर अर्घ्य निवेदन करवा हे माँ तो दुर्गे तुम्हें रक्षा कर जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ए बासंतिक दुर्गोत्सव आउ शारदीय दुर्गोत्सव ये भारतीय परंपरा भितरे दुईटी तत्व उपस्थापित होइथिले मध्य तथापि ऐतिहासिक दृष्टिकोण रु गोटे आम पाखरे दुर्गा देवी उपासना परिलक्षित हुई। तेणुक आर्यावर्त भारत वर्षर अनेक साधु संत जनप्रिय महर्षि माने दुर्गा उपासना करिवा कथा मध्य वर्णन होई। आदिगुरु शंकर आरंभ कर श्री अरविंद पर्यंत रामकृष्ण परमहंस आरंभ कर बामाक्षेपा पर्यंत ये भारतीय संस्कृति भितरे साधु संत महर्षि मुनि ऋषि मानंकर उपासना दुर्गा सहित संश्लिष्ट होइछि। तेबे यार पौराणिक पृष्ठभूमि रामायण रु खोजा जाई पारे यार किंवदंती मूलक पृष्ठभूमि बासंतीय दुर्गोत्सव को देखिले दृष्टिगोचर होई पारे। तेबे ऐतिहासिक पृष्ठभूमिटी केउं भली भाबरे डॉक्टर सत्पथी आमे पाई पारिबा हरप्पा आउ मोहेंजोदारो सभ्यतारु ताहा टिके आपण सूचना दिंतु। आमर जदि गवेषक मानंकर गवेषणा को आम देखिबा से समय रे भारत वर्षर विशिष्ट गवेषक इतिहासक राखल दास बानर्जी जे कि खनन कार्य रे थिले आमर मोहेंजोदार हरप्पा रे सेठी जो प्राचीन मूर्ति जहाँ सब मिली आमर मुद्रा जहाँ सब मिली से मातृ उपासनार संकेत आम देखा पा मातृका मूर्ति मिली। तेणु पृथ्वीर चारोटी सभ्यता आम जो देखुचे गोटे होयांग नदी चीन सभ्यता जोटा टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदी जोटा इराक इरान सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता कहचे नील नदी सभ्यता एवं भारतवर्षर मोहेंजोदार तेणु से सर्वप्राचीन सभ्यतार जो मातृका मूर्ति मिलू तेणु से समय मातृ उपासना होता यहाँ हूँ ऐतिहासिक तथ्य। परवर्ती समय जदि आम देखा आपण ओडिशा कथा प्रथम कहते ओडिशा रे आमर घट पूजा हुए मंदिर मानक देवी पीठ ओडिशा रे बहुत प्राचीन पीठ सब रही देवी पीठ रही किंतु जो मृण्मयी देवी वर्तमान पूजा होची आ पछरे ऐतिहासिक तत्व भितर जदि खोजिबा जेतेबेले 1803 रे इंग्रज माने ओडिशा अधिकार कले से समय रे ता परवर्ती समय रे ओडिशा को शासन करिया पई से माने बंगीय मानक आनी नियुक्त कले जो समय रे बंगला रे स्कूल कॉलेज प्रतिष्ठा हलाणी ओडिशा रे स्कूल कॉलेज सेपन हेनी तेणु से समय रे बंगीय माने आसिकी इठी सब कटक रहिले कटक थिला ओडिशा रा राजधानी से माने जो मृण्मयी देवी पूजा करंती तेणु से समय रे जो माने सब थिले कटक रे से माने एही मृण्मयी देवी उपासना आरंभ करथिले। कटक रे जो विनोद बिहारी दुर्गा से सर्वप्राचीन बोली कहा जाए एबे मध्य से बंगीय परिवार सेठी रहिछंती कटक रे। ता छोडा अन्य केतक तथ्य मत रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पिताजी जानकीनाथ बोस जी आडवोकेट थे से सब वकिल थे सीए एवं अन्य माने मिसिकी ये सब दुर्गा पूजा आरंभ करते से अन्यतम उद्योक्ता थे। तेणु से समय परवर्ती समय धीरे धीरे आमर मृण्मयी देवी माटीर मूर्ति उपासना होती प्राचीन ओडिशा रे आमर सब घट उपासना जो मंदिर मानक होमती नवरात्रि कथा जदि कहे नवरात्र प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीच सप्तमम काल रात्रिति महागौरती अष्टमम। तेणु ये जो नवदुर्गा पूजा हुए प्राचीन ओडिशा रे ए पूजा नथिला आमर पश्चिम भारत उत्तर भारत रे ए पूजा होउथिला किंतु कालक्रमे से बर्तमान ओडिशा रे मध्य उपासित होउचन उपासना हो चालीची नवरात्रि आमर मध्य समस्त करूचंती। तेणु समय क्रमे माँकर उपासना जो रूप रे जेमती गीतार भगवान कहले जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तां तथे हजाम हजाम तेणु जी मते जो रूप से उपासना कर आउ गोटे श्लोक अच्छी कहूँ आकाशत पतितम तोयम जथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तेणु मांकर आराधना उपासना एवं मांकर जशकीर्तिर वंदना भारतीय संस्कृतिर
ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ପାର୍ବଣ ଆସିଛି, ଏହି ପାର୍ବଣର ଋତୁରେ ଆଶ୍ୱିନର ମେଘାକାଶରେ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଆଉ ମା। ତେଣୁ ସବୁଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀର ଅପୂର୍ବ ବେଦଧ୍ୱନି ମାନ୍ତ୍ରିକ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାଙ୍କୁ ସ୍ତବସ୍ତୁତି କରେଇ ଜଣାଉଛି, ମା ସକଳ ପାପର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କର, ମା ସକଳ ପାପକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କର, ମା ଆପଣଙ୍କର ଆଶିଷର ବାରିଧାରା ଏ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପତିତ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆଜିକାର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନାର ଏହି ଭେଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ ଗବେଷକ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବରେଶ ଶତପଥୀ ମହାଭାଗଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଜିକାର ଏହି ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣୁଛୁ। ଏବଂ କଥା ରହିଲା ମାଙ୍କର ଉପାସନା, ମାଙ୍କର ସ୍ତବ ଆଉ ସ୍ତୁତି, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ବସି ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କୁ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରେଇ ସଦାସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସକଳେ ସପ୍ରେମେ କହିବା ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।